नमस्कार, मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि आज यहाँ वुडन महाबोधि शिल्प और अनुसंधान संस्थान में काश कला के माध्यम से आपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। अवसर है वुडन महाबोधि शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से आज राज्य स्तरीय कला प्रतियोगिता, कला सम्मान प्रतियोगिता। अपना परिचय देंगे? जी, गोपाल प्रसाद। कहाँ के रहने? हम सासाराम ग्राम कर्मा छोटकी छनारी थाना सिसागर सासाराम के रहने वाले हैं। क्या बनाया है आपने? ये बुद्ध भगवान का टेम्पल मंदिर है, बोधगया में है। बोधगया, बोधगया, बोधगया। बहुत ही सुंदर। ये लकड़ी से बना हुआ? जी, लकड़ी का है। कौन सी लकड़ी है? गंभार है। गंभार सॉफ्ट होता है शायद? जी सर। क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से आप? वैसे तो ये जो है आपको ये जो मंदिर है बोधगया का, बोधगया मंदिर जो है इंटरनेशनल लेवल पर एकमात्र मंदिर है जो कि शांति का संदेश देता है। गौतम बुद्ध का सभी श्रद्धालु बहुत भक्त जो आते हैं यहाँ, अन्य धर्म के लोग भी आते हैं, अन्य धर्म और हर देश लोग के आते हैं, और यहाँ शांति भी मिलती है लोगों को, विश्व को शांति का संदेश भी दे रहा है। कितना समय लगा इसे बनाने में आपको? सर, 8 दिन लग गया। 8 दिन लग गया, 8-9 रोज। बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से बनाना पड़ता है। थोड़ी सी गलतियां हो गई तो सारा मेहनत? जी नहीं, अगर थोड़ा बहुत बारीकी अगर डैमेज होता है तो हम लोग मेंटेनेंस कर लेते हैं। कर लेते हैं जी, और ज़्यादा होता है तो भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। कुछ इसी का केमिकल निकाल करके इसमें चिपका करके बनाना सुधार किया जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, त्रुटि नहीं होता है। किसे सीखा आपने बनाने का? हमारा सर गया में गुरु जी है, हमारा गया में ही रह कर। नाम बताइए। नाम महेंद्र प्रसाद शिल्पी उनका नाम है। उन्हीं के घर में 11-12 साल हम रहे हैं, वही सीखे, वही हमारा गुरु। आवाज अपना कर रहे हैं। यहाँ पर बोधि वृक्ष भी है? जी, बोधि वृक्ष भी है। बहुत ही सुंदर। और रही बात की जो आपने कलाकृति बनाई है, ये आम बात नहीं है, आम जो है शिल्पी नहीं बना सकता, क्योंकि जिसमें धैर्य है, परिश्रम और दूसरी बात एक चीज़ और है, मेहनत करना पड़ता है सर, बहुत। देवी सरस्वती का जिसमें आशीर्वाद, भगवान विश्वकर्मा का जिसे आशीर्वाद है, वही बना सकता है, सब नहीं बना सकता है। तो आपने बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा शिल्पियों को? हम कुछ नहीं बोल सकते। आपकी कलाकृति उसे संदेश दे रहा है, इसको बनाने से शांति मिला हमको। हाँ। और इससे हमारा लगन होता है। और आपने जो बनाया होगा एक तरह से तपस्या आपकी है, क्योंकि सब कुछ भूल के आप करना होता है, खाना पीना सब। हम सोनकार जाति से हैं और सोने चांदी के काम छोड़ करके इस काम को सीखा है और आज तक कर रहे हैं, आज करीब 20-22 साल से कर रहे हैं इस काम को, और इससे हम खुश हैं और शांति। इन कलाकृतियों की मार्केटिंग भी हो रही है? जी, बहुत बढ़िया। विदेशों से भी ऑर्डर आया? जी जी जी, आते रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और बिहार का नाम रोशन करें दुनिया भर में। साथ ही साथ बहुत ही अच्छा आपने इस कलाकृति माध्यम से भी शांति का भी संदेश दिया है दुनिया भर को। आज दुनिया भर में विश्व शांति का जो है अभाव है, और उस अभाव को आपने पूर्ति किया है कि विश्व शांति। भगवान भी बैठे हुए हैं अंदर, भगवान लाइट भी लगा हुआ है, कनेक्शन किया हुआ है इधर में। अच्छा अच्छा, इधर से देखे लाइट जलाना पड़ेगा सर। ओ, अंदर में गौतम बुद्ध भी है। लाइट जलाइए, लाइट मोबाइल से जलाइए। आएगा आएगा आएगा, यहाँ पर से जलाइए, आएगा थोड़ा सा इसको साइड कीजिए। हाँ, अंदर में दिख रहा है, नीचे कीजिए ना, कैमरा में आ जाएगा। हाँ, दिख रहा है, दिखा मैंने देखा। तो हम लोग को देखा भैया, एक मिनट हम पहले इसको देख लें। हाँ, अब आया, बहुत सुंदर। हाँ, चले, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आपको मिले और पुरस्कार की बारिश भी हो। इसी शुभकामना के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत दी न्यूज़, पटना भैया। नमस्कार।